यस, ये मिलवर्म फिर से आ चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या लगभग 2000 के पास है। वैसे इनका यूज पालतू छिपकली जैसे जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये किसी भी चीज को खाने में बड़े ही तेज है, इसलिए मैं सोच रहा था क्या ये मेटल को भी खा सकते हैं। हम एकदम प्योर गोल्ड फॉइल का यूज करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा पतली है। हमने गोल्ड फॉइल को इनके बीच में डाल दिया और शायद ये तरीका काम नहीं करा। अब हमारे पास एक और प्लान है, हमने इनके फेवरेट फ्रूट अंगूर के ऊपर सोने और चांदी की फॉइल को लगा दिया और अब इनके बीच में रख दिया और फाइनली ये उसको खाने के लिए टूट पड़े। इन्होंने चांदी की फॉइल को तो फटाफट से खा लिया, लेकिन गोल्ड फॉइल को खाने में इन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइम लगाया। अगर तुम्हें इन्हें कीड़ों से बीटल बनते हुए देखना है तो कमेंट में बताना।